और नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ यार सब बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो चलते हैं यार, शुरू करते हैं। चलते चलते भाई बातें करेंगे इस बार। अब डेस्टिनेशन आज की है हमारी कालका जी। जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, जिसे नहीं पता भाई कालका जी एक मंदिर है। उस एरिया को हम सब कालका जी के नाम से जानने लगे हैं क्योंकि वहाँ मंदिर है। पहले भी गया था मैं, लोटस टेम्पल के जस्ट पास में ही है। और तो यही है, वहीं जा रहे हैं। अरे 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 स्लिपरी भैया, भाई इतना बड़ा गड्ढा, कुछ तो लगा देते पत्थर वत्थर। जब तक पास में नहीं पहुंचा भाई दिखाई नहीं, अभी घुसा देता मैं उसी में ही। बहुत बड़ा भाई सीवर का था वो ढक्कन, इन्होंने तोड़ फोड़ करके भाई इधर सीमेंट वीमेंट तो साइड में कर दिया और वो हटाया नहीं और प्रॉपर बनाया भी नहीं, बस काम चलाओ काम करा इन्होंने। तो भाई यही ये होता है, ऐसा ही चलता रहता है। चलने दो, जो हो रहा है सो हो रहा है, अपने साथ भी तो यही हो रहा है जैसे चल रहा है चलने दो। तो और हम जा रहे हैं अभी कालका जी। तो आज हम जा रहे हैं पीछे की तरफ से, हम जा रहे हैं ओखला की साइड, गोविंदपुरी होते हुए जाएंगे हम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कहते हैं पहले रेड रोड क्रॉस। यहाँ कोई रेड लाइट वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस ध्यान से करना है अपने को रोड क्रॉस, देख लेना है कोई व्हीकल व्हीकल आ ना रहा उस समय जब हम क्रॉस करें। तो आप सब भी भाई ध्यान रखो, ध्यान से करो, जैसे उधर रुके पड़ा है तब क्रॉस करो, उधर अगर आ रहा है ट्रैफिक तो ना करें तो ही अच्छा है, वरना ठुका ठुक जाते हैं भाई, बहुत गंदा टुकते हैं। तो ये चाह रहे भैया जोमेटो वाले, भैया रुक जाओ हमें तुमसे आगे निकलना है। जोमेटो वाले भैया फुल ऑन स्वैग, अपन रुकेगा नहीं साला तो भाई यही डायलॉगबाजी करते हुए मन मन में जोमेटो वाले भैया। हेलमेट लेकिन इन्होंने कोई और पहन रखा है लगता है भैया, डबल शिफ्ट कर रहे हैं जिप्पी का हेलमेट पहन के, आधा टाइम जिप्पी चलाते हैं जिप्पी पे यार वो शेयरिंग। भाई साहब यार कैसे लोग एकदम से भाई हाथ दे दिया, चलो ठीक है लेकिन देख तो लो पीछे कितने पास में है। एकदम अचानक से ब्रेक मारना पड़ी। और एक तो ये रोड है भाई उबड़ खाबड़ रोड, क्या करूँ इस रोड का, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो मैं क्या करूँगा बताओ, कुछ तो कर लो गवर्नमेंट भैया। और ये साइड में चलती हुई मर्सिडीज, इतनी तगड़ी मर्सिडीज, इतनी पुराना मॉडल है वैसे तो, ये है नया मॉडल नहीं है, पुराना मॉडल है, पता नहीं कौन सा है, GML 250 है भैया, मेरी भी 250 है, बस उसकी और मेरी 250 में बहुत बड़ा डिफरेंस है मेरी 250 CC है और उसकी भी पता नहीं क्या है, 250 पावर होगी आई थिंक, हैवी व्हीकल है पावर तो देंगे इतनी। और ये देखो भाई साहब देख रहे हो गड्ढा भाई, नाइट में कोई आ गया ना जल्दी में कट में लेने इसमें, ओए जो ही जाएगा, खैर पास में हॉस्पिटल है जल्दी पहुंच जाएगा ये रहा भाई हॉस्पिटल भी साइड में दे रखा है, गड्ढा कर रखा है साइड में ताकि कोई फूटे फाटे तो हॉस्पिटल में फटाफट एडमिट हो जाए। कैसे कैसे लोग है वे, अरे भैया भर दो गड्ढे को, काहे किसी को मार रहे हो बे। और ये अंकल उड़ने मांग रहे हैं क्या, वैसे था तो वहाँ पर यूटर्न लेकिन यार फिर भी ऐसे। और ये जा रही है जीप, जीप कंपास, ये भी भाई एक टाइम पे अच्छी लगती थी मुझे, बट वैन महिंद्रा लॉन्च XUV 700। तो हमारा दिल आ गया है उस पे, लेंगे भाई कभी ना कभी तो लेंगे जल्दी, तुम सबों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी आएगी थोड़ा। ओ देखा भाई बच्चे शर्मा गया, लौंडा रोड क्रॉस कर रहा था जब उसने देखा कैमरा है तो शर्मा गया लौंडा खैर उसे तो पता भी नहीं चला का कि कब रिकॉर्ड हुआ कब नहीं। ओ भाई स्कैम भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लड़का है, तो भाई इसके हाव भाव से लड़का लग रहा है मेरे को ये तो भाई अभी देखेंगे आगे जाके क्या है क्या नहीं।
ओ भाई जैसा मुझे लगा वो लड़का निकला भाई, क्या हुआ मतलब पहनावा देख के तो समझ गया था भाई मैं लड़का ही है वो, बट बालों को देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी हमको, इतने लंबे बाल कौन रखता है बे, काहे इतने लंबे बाल रख के कंफ्यूज आ रहे हो, ये प्रैंक कर सकता है वैसे, प्रैंक वीडियो बना सकता है, बाल लंबे नेल पॉलिश लगा ली, चप्पल पहन ली हाई हील्स, पीछे से लोंडिया आगे से छोरा, आए हो जाएगा बंदों के साथ स्कैम। ओ भाई ओखला की साइड भाई बस चली गई, हम उधर से नहीं देखे, वो हम जाएंगे सीधा, अब हम ये गोविंदपुरी रोड है तो यहाँ से जाएंगे, पहले मैं सोच रहा था ओखला लेके जाऊँ बट ये बस चली गई है, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक लगाने वाली है आगे, वैसे भी ट्रैफिक का आज मिलेगा, वहाँ से सारा ऑफिस एरिया है, छुट्टी हो रही वाली ना भैया, हम तो जाएंगे सीधा। और यहाँ भाई गड्ढे पे गड्ढे, गड्ढे पे गड्ढे, इतने सारे गड्ढे कौन बनाता है बे यार, कर दो कोई तो स्मूथ कर दो इन रोडों को, अरे ढूम, ओ भाई साहब ब्रेक का देखने में थोड़े हम लेट हो गए, जब तक गाड़ी चढ़ चुकी थी उसके ऊपर और हम धक्का खा चुके थे, तो भैया ध्यान से चले। और ये फ्रॉन बाजी बूम बूम, और ये करते हुए मजे हम, और यहाँ भैया से रिएक्शन, और भैया फुल लाइट में बैठे हुए हैं जैसे सारा ऑटो इन्होंने, सॉरी ई रिक्शा इन्होंने खरीद लिया हो, ई रिक्शा पे इतनी लाइट, ओ माय गॉड, इतनी तो हम अपनी बाइक पे नहीं दिखाते ऐसे लाइट दिखाने के लिए हम हैं भी नहीं, हम तो भाई अपने नॉर्मली चलते हैं फुल मज़े में, कोई अफरानबाजी नहीं, कभी कभी हो जाती है बस, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओहो ये भाई अगर मैं स्पीड में लाता तो ये बाइक वाला उड़ जाता, उड़ा देता भैया मैं उड़ा देता, उसके साथ साथ मेरा भी गंदा वाला नुकसान हो जाता, आगे का पूरा हिस्सा जाता, देख रहे हो भाई कैसे छुपा रुस्तम की जैसे निकला भैया ये, ओ भैया जी रिएक्शन मिलते हुए, पता नहीं कैमरे में कितना आया होगा, वो भाई ये ब्लैक स्कूटी पे जो बैठे है ना भाई ब्लैक में, भाई फुल रिएक्शन मिला इससे, और या फिर से हम ट्रैफिक से झूंझते हुए इधर से निकाले उधर से निकाले, कहाँ से निकाले, हेलो भाई ये बस बीच में कैसे खराब हो सकती है, कोई तो ले जाओ इसे वे भाई, खराब भी चौक तो हुई है भाई बीच में ये लगाए, ये भाई सुबह में तो इतना अभी गंदा वाला जाम लगने वाला है, सुबह में अगर खराब हुई होगी ना तो लगा ही होगा जाम, अब तो भाई बहुत गंदा वाला लगने वाला है जाम, क्योंकि ये ऑफिस टाइम पे छुट्टी हो रही होगी भाई सबकी, और लगेगा जाम गंदा वाला, भाई आपने तो अच्छा हुआ जल्दी से निकाल लिए वरना बहुत जाम लगने वाला है, इससे पहले जाम लगे हम निकल रहे हैं भैया घर, अब पहले आपको दिखा दें हम मंदिर कालका जी वाला और भैरव बाबा जी का भी मंदिर है वहाँ पर, कालका जी का तो यार देखो अंदर जाना पड़ेगा तो वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हम यहाँ से बाहर से दर्शन करा देंगे आपको, उम्मीद है आपके हो जाए दर्शन तो बढ़िया, हम मंदिर दिखा देंगे, और बाकी किसी को आना हो तो आ जाइए भैया, मोस्ट वेलकम है आपका, माता जी इंतज़ार कर रही हैं, आप दर्शन करिए सब कुछ करिए, कोई टेंशन नहीं है, लाइनों में लगिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जने आते हैं भाई दर्शन करने इनके, और ये छोटा सा कर पाते हुए मेरी जान, और यहाँ फुल अफरानबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं, वो शेडो देख रहे हो शेडो भाई, ये पूरा रोक दिया यूनी की उधर जाके घुमा ले, नहीं भैया जी को पूरा ही रोकना है भैया, हाँ ना तो माँ का दही कर देते हैं वे, ये गाड़ी है और देखो भाई सामने जाएंगे हम बिल्कुल स्ट्रेट, वो दिख रही है चोटी वो ये मंदिर कालका जी मंदिर, ठीक है उसका रास्ता ये सीधा जा रहा है साइड में है कट कलकत्ता वहाँ पर है उसका रास्ता, ठीक है लेकिन हमें जाना है यहाँ लेफ्ट, तो हम मोड़ चुके हैं लेफ्ट, और लेफ्ट में पड़ेगा भैरव जी का मंदिर, अब वो तो हम आपको डिटेल में दिखा सकते हैं,
तो क्योंकि वो तो जस्ट, और ये जस्ट रोड, ये देखो रोड तोड़ रखा है भैया, गड्ढे कर रखे हैं बे, मरवाएंगे हमको ये किसी दिन, गड्ढे नट कोई और। तो ये हम जा रहे हैं, ये बस आ गया, देखो दिख रहा होगा इसी के पास में ही है अभी, दिखो और अच्छे से दिखेगा, रुको दिखाते हैं भैया दिखाते हैं, वेट करो। और ये अब तो दिख गया होगा, प्रसाद वसाद का यहाँ से मिलता है ये रहा। और यहाँ चढ़ाते हैं भाई ये मंदिर, दोनों छोटा और बड़ा प्राचीन भैरव मंदिर ये है, देख लिया, पेट्रोल पंप के पास है, नेहरू प्लेस गूगल कर लीजिएगा, नेहरू प्लेस भैरव वाला मंदिर आ जाएगा, ठीक है। अपने प्यार से श्रद्धा पूर्वक दर्शन कीजिए, एंजॉय कीजिए भाई। और ये अफरान कोई काट रहा है हमारे सामने, कौन है भैया कौन है, कौन फुर फुर कर रहा है, अभी देखते हैं उसे भी, दिखाओ भैया दिखाओ, भाई कोई हॉर्न बजा रहा था जो, अच्छा वो रहा भैया वो रहा, यार पहचान जाता हूँ भाई कौन हॉर्न बजा रहा, देख रहे हो लाइट देख रहे हो इसकी, टूटी फूटी बाइक और एक हाथ में फोन। और ये भैया ने हमको देखा तो भगाना शुरू कर दी, हमने क्या करा है बे जो हमें देख के भाग रहे हो, कछु नहीं किया भैया हमने, कछु नहीं किया, काहे इतना परेशान वे, हमसे रेस लगाओगे है ना। और यहाँ पर हम रेस जीतते हुए, शुरू उसने करी थी ख़त्म हमने करी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो चलता रहता है, छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है दो गाड़ी वालों के बीच में, बाइक हो या कुछ भी हो, बाइक वाला है तो निकाल लिया वरना तो और भी दिक्कत थी। तो थोड़ी दूर का सफ़र और बचा है हमारा, बस यह फ्लाईओवर पार करते आएगा। ओ हेलो, ये फिर हमने लाइट कटाके गया, अभी तो पीछे छोड़ा था बे, कोई बात नहीं जान दो जान दो, हमें आज सीधे नहीं जाना है, इसलिए हम उससे कुछ नहीं करेंगे बहसबाजी, हम जाएंगे सीधा लेफ्ट क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन। ओके, थोड़ी जवान हमारी लड़खड़ा गई है, बट तात्पर्य यह था कि डेस्टिनेशन बोलना चाह रहे थे हम, बट वो पता नहीं क्या निकल गया हमारा मुँह से। तो हम यहाँ से आ गए लेफ्ट। और भाई यहाँ पर मुझे पिछली बार पता है ब्लॉग नहीं बना रहा था मैं, तो मुझे पकड़ा था एक पुलिस वाले ने, अभी आएंगे आगे है, बैरिकेड वेरिकेड सब लगा रखे थे, कोई चीज़ की चेकिंग चल रही होगी, तो भाई किसी को नहीं रोका उसने, एक बाइक वाले को रोका और मुझे रोका, कार वाले को जाने दे रहा था। यहाँ पर ये देखो बैरिकेड लगा रखे है ना, यहाँ पर ही हाथ दे दिया था, ये जैसे क्रॉस करा मैंने हाथ दिया साइड में, मेरे को क्या, सारे डॉक्यूमेंट थे ही, नॉर्मल स्पीड थी, कोई टेंशन ही नहीं थी, और वो वैसे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था, नॉर्मल सिविल वाला था, वो सिविल पुलिस थी, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है चेक कर लो भैया, हम तो ना ओवर स्पीडिंग कर रहे थे ना कुछ, हमने दिखाया कागज और बोला भैया जी छोड़ो, चले गए हम बस। उस दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, ये पूछा था हाँ हेलमेट में ये क्या लगा रखा है, एक्चुअली वो मैंने जो छोड़ हटा नहीं रखा वो, इसलिए यार बार बार कौन निकाले लगाए, इसलिए मैंने वो फिक्स कर दिया वहीं पर ही, बस हेलमेट में वो क्लिप लगा लेता हूँ। अच्छा ये बताओ ये कौन सी गाड़ी का नंबर है, सॉरी नंबर प्लेट है, ब्लू नंबर प्लेट किस गाड़ी में यूज़ की जाती है, आज का क्वेश्चन हम क्यू एन ए करेंगे आपसे, आज का क्वेश्चन है ब्लू नंबर प्लेट किस व्हीकल में यूज़ की जाती है, किसकी व्हीकल में यूज़ की जाती है, कमेंट में बता दीजिए, जिसे पता है, नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अगली वीडियो में बता देंगे। तो भैया हम जा रहे हैं घर की तरफ और हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, और देखो इन्हें देखो भैया, हवा तो आने दो, थोड़ी सी तो हवा दे दो भैया, काहे ऐसे करते हो भाई, मारे को तो नहीं पता काहे क्या नहीं करते। तो निकालते हैं यहाँ से फटाफट, और यहाँ थोड़ा स्लो ही चलाएंगे, कब पता नहीं कौन कहाँ से प्रकट हो जाए, क्योंकि मार्केट ये देखो
बिना रोड पे इधर उधर देखे एकदम क्रॉस कर दी पापा की परी। और ये अंकल भी ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। ओरे 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 अंकल तो हैवी ड्राइवर निकले, मेरे को लगा बैक करेंगे, इन्होंने तो एकदम ही काट डाला, मतलब मोड़ लिया। अंकल तो बड़े हैवी निकले भैया, कैसी ड्राइविंग हमें भी सीखनी पड़ेगी बिना कट करे और सॉरी मोड़े बैक करे निकाल दे कहीं से भी। भैया ओपी अंकल बोलते हैं। और ये देखो बीच में उतर गए, नहीं साइड में करके उतार लेता, समझता ही नहीं है कोई, पता नहीं कब समझेंगे लोग। वैसे हम भी ऐसे करे देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज तो बहुत गंदे दिन हुए थे आज भाई, जा रहा था मैं कहीं। और ये हो जाएंगे, हम पहुंच गए बस। और ये सामने चल रही इको सपोर्ट, और ये भैया जी स्प्लेंडर लेके और गए मत्ता। ओरे 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 भैया ठोक दी रे ठोक दी कर दिया भैया क्रैश, इको वाले ने मारे डिस्क ब्रेक, स्प्लेंडर आ गया स्लैप, बोले तो स्लिप भाई, वो तो ठोक के चला गया स्प्लेंडर वाला। बुरा तो लगा होगा इके वाले को, बट उसमें वो भी क्या करे, उससे पता है उसकी थोड़ी बहुत गलती है, उसने एकदम ब्रेक मार दिया गाय की वजह से। यूं ही पहले से हल्के हल्के ब्रेक लेके चलता, बट उसने अचानक से ब्रेक मार दिए तो उसे भी अप्लाई करना पड़ेगा। बस उसका ध्यान भी नहीं था, जैसे मैंने रोक ली ना तो स्प्लेंडर वाला रोक सकता था, बट उसका ध्यान नहीं था। और यहाँ भाई साहब गड्ढे 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 गड्ढे। तो यार यही थी आज की वीडियो, इन गड्ढों में ख़त्म हो रही है। तो कैसी लगी, होप करता हूँ यार सबको बढ़िया लगी होगी। शेयर करो यार वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए, इसमें भी बोल देते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।